कि रब दे नाल ऐसे कौन खड़ा। मगर इस दुनिया भी आप मकामे महमूद मिलिया। मोमिन मुस्लिम गैर मुस्लिम जिनी तारीफ हजूर अल्लाह सलाम की की तो अपने नबी दी भी नहीं कर मनवा लिया हजूर ने अपने किरदार ना कि दुनिया च अगर कोई आला दर्जे का आदमी होया तो मुहम्मद रसूल अल्लाह सलाम अपने कायद आजम मुहम्मद अली जिन्ना अल्लाह ताला रहमत फरमाया दाखला जो लिया लाच उसे बरतानिया तो सिर्फ उस कारज ने इस तो पसंद किया कि वो दरवाजे से जिन्हों लोगों का नाँ लिखा सी कि कानून के सब तो बड़े लोग होए उन्होंने सब तो पहला नाम मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायद आजम ने आख्या यही गल चुनना चाहिए इन लोगों को एतराफ तो है ना कि दुनिया में मुहम्मद रसूल का बड़ा मकाम है। तो अल्लाह फरमाउंदा तहज्जुद पढ़ है नाफिला तलक फर्जा तो जायद मगर असर एदा बड़ा कि ऐसे मरतबे तक पहुँच जाएगा कि बस दुनिया और आखिर तारीफा ही तारीफा हो गई। तो किल्लत ताम करो नुस्खा खाना कटाओ थोड़ा थोड़ा लुकमे कटाते आओ जिन्ना कटाते कुछ भी नहीं फर्क पैना सेहत भी ठीक होंगी जानी कोई गैस का प्रॉब्लम है किसी उल्टियां होंगे बकाइया मार तो वगी है जैसे सैरी कर दे कि भर लेंगे अपने आप फजर वेले फिर टेलीफोन कर दे मौलना उल्टी आ गई भाई यार थोड़ा खा लेंगे इन्ना चेहरे बने तुम अपने आप में पोता सारा दिन बकाइया तो खट्टे बुखार ये रोजा रहा कोई नहीं और सौम तो सी कि अपने आप में रोको जड़िया शायद आदि उन्होंने तो अपने आप पिछा खिंचो किलते ताम किलते मना और फिर किलते कलाम अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम ने इस जबान के बारे बहुत दर्द कि जिन्ना इन्हें लोगों ने दुख चोटा लटकाना ना किसी ने हर वक्त इस्तेमाल करी जाना गीबत करी जानी गप्पा मारी जानियाँ लतीफा गोई करे रिकॉर्ड सारा हो रहा इस तो अल्लाह के पैगंबर अल्लाह सलात वसलाम फरमाते सवेर जो होंगी ना तो सारे आजाद जड़े ना जिसम के जिन्हें जोड़ है जुबान अगे हथ बन के खड़े हो जाते हैं असी तेरी मेहनत करते हैं मुहतात रवी तेरे पर असी सारे ने दो चले जाना तू गलत गल् करी जानियाँ पुतरा सी है इस पर एक साबी ने पूछा अल्लाह के रसूल मैनू कोई नसीहत करो फरमाया हिफ्ज़ुल लिसान छड सारिया गल् अपनी जुबान की हिफाजत कर बोल उदा जो कोई चंगी गल हो नहीं तो चुप रह मन सकता नजा जरा चुप रहूगा नजात पा गया वरना काम खराब है। इतने मैंने एक वाकया याद आया इन्नी चुप भी नहीं आई मगर बार फजूल बोलना चंगा कि एक शहजादा सी बड़ा लाडला बादशाह तो उन्हें रवायत सुनी कि जरा चुप कर गया और बच गया चुप हो गया बादशाह भी बुलाए सारे बुलाने कोई नहीं बोलना ही हट गया बड़े बड़े आए दिल खुश कर नहीं बोलया। एक दिन बादशाह सलाम ने लोगों ने मशवरा दिता कि शिकार लिए निकलना चाहिए इनू भी लै चलो चलो खेल तमाशे करी दिल लगे शहर से बोले तो खेल तमाशे की खातर जंगल में निकल गया सारा दिन फिरे कोई शिकार हाथ नहीं आया वापस आ रहा थी तो एक झाड़ी के अंदर एक चित्र लुकया वो चित्र बोल पाया चित्र बोलिया मारिया तीर उन्होंने शिकार कर लिया शहजादा बोलिया उन्हें आख्या बोलिया ही तो मारिया गया फिर कह लगे बोल फिर बिल्कुल चुप हो गए कह लगे यार काम तो अगे तो बखरा उन्हें आख्या चित्र जरा भी चुप कर रही है बचिया ही थी ना बोलिया तो मारिया इस तो यकीन जानो हिफ्ज़ुल लिसान से बाब है हदीसे पाक की किताब इतना आपने फरमाया कि जुबान बहुत कंट्रोल कर ये ऐसा कलमा बोल दें दे जिन्होंने तुम मामूली समझा हालांकि 70 साल जिन्ना फासला एक पत्थर तय कर दले इन्ना डूंगा खुदा ने उस कलमे पर तुम सट उन्हें नोट कर लिया कि तू ये बकवास की कोई दीन ठट्ठा कर दिता कोई किसी गल का मजाक उड़ा जुबान ना है इस तो किलते कलाम थोड़ा बोलो बिल्कुल जरूरी है मुनासिब और आखिरी है जो मरला आ रहा हूँ सारे साल भी ठीक है कोई नहीं जिस तरह बाकी बात सारे साल तो इतकाफ कोई रमजान शरीफ नहीं मेरे दोस्त ही अज नहीं आए कादम साहब अफसर है टेलीफोन वो महीना महीना का भी इतकाफ कर रही और रमजान शरीफ तो इलावा भी जो कि जी करे बिस्तरा बने आके मस्जिद बह जाए नेकी बहुत बड़ा अमल है और कुरान मजीद तुम वेखते जे अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो हिदायत की है काबा बनया तो आख्या है जी हिफाजत करो उत्ते की फरमाया व तहरा बैतिया लिताफीना व राकफीना व रकसू तीन इबादतां कि तवाफ करने वाले की इनू पाक साफ रखो इतकाफ करने वाले की रखो और रुकू सजदे करने वाले नमाज नमाज इतकाफ और तवाफ तिना का मरकज काबा बनया फरमाया जी पाक रखो वान तमा के फोना फिर मसाजिद मस्जिदा च इतकाफ जो किया बीवियों के करीब ना तो इतकाफ है चौथा इलाज किल्लते इख्तलात माल अनाम के लोगों ना आम मिलना जरा ना मंडली लाली यार दोस्तों इतों भी बराबर को यार दोस्तों बहुत घट ऐसे लोग जिन्हों को बहन ना दीन आवे कोई अल्लाह की मुहब्बत आवे आखरत की बाकी ऐसे ही है वो जहरीले सप्प आ उन्होंने सोहबत मोहलिक आदमी बहिंदा रहा उन्होंने इनू भी डोब दिता
और कई बच्चे सुनाते और लड़का एडा नेक सी बुरी सोहबत बैठा बर्बाद हो गया। इस तो हजरत साजी फरमाते सोहबत साले तुरा साले कुनाद और नेकां को बवेंगा तो नेक हो जाएगा, सोहबत ताले तुरा ताले कुनाद हरामियाँ और बदबख्तों को बहंगा लै डुबन गए। इस तो सोच के यारी लगा तो चार इलाज लभे अनेक लोगों ने कुरान और हदीस तो किताबा और यार सूफिया ने परचियाँ भी आ चार तकलील कर लो कमियाँ, खाना कम, सौना कम, लोगों बहना ज़्यादा कम, फजूलों और जरा गुफ्तगू कमी है बात आ दो, यह चार कम हो जाने तीन साल आते और दिल जी बात कर रहे ना को हज अकबर हासिल हो जाए। और अगर फजूल गलों लगे रहना, फजूल मजलसा च बहना, खाई पी जाना, कुछ नहीं, जिसम मोटा होंदा जाना, रूह मर जाना। मैं उस सतवीं जमात पढ़ता सी, साढ़े मुआने वास्ते इंस्पैक्टर साहब आ गए, बाद चो बड़े अहदे तक पहुँचे गुलाम यसीन आजी साहब, बंदे काबिल से बहुत पढ़िया लिखा, साढ़ा मिडल स्कूल आए, उन्होंने कहा फारसी सुनाओ। फारसी हूँ साधी रहमतुल्लाह का एक शेर सी कि अस पे लागर में आ बकार आए दरूज मैदान गावे पुरवाए। तर्जमा सुनाओ, तर्जमा किया कि पतला दो कमजोर घोड़ा जड़ा ना ये जंग के अंदर काम देता है, अस्तबल का पड़िया बैल नहीं देता, जरा खुरली दे ना मोटा किया उन्हें जंग की काम देना, घोड़ा जड़ा पतला दुबला भी जड़ा देना। बहुत पढ़े आदमी से अल्लाह रहमत फरमाए, वो कह लगे सब का तर्जमा बच्चे आता न्या का नहीं आता, अस्पे लागर म्या बकार आए दरूज मैदान गावे पर। साढ़े फरिश्तों भी ना खबर मोटा ही याद सी पतला, उन्हें कहा पतले का की मतलब, म्या तरना चाहिए। साढ़े उस्ताद सी मास्टर नादरी साहब, वो भी कोई नहीं सी फारसी जानते, मैं अपने उस्ताद को घर पढ़ के जाता पढ़ा सी, वो बिल्कुल सिफर। वो यासीन न्याजी साहब पूछते भी मौल उस्ताद साहब तुम दसो, कहते यो ही है जी उन्होंने और क्या कह लगा लुगत मंगवाओ को। मास्टर नायतुल्लाह साहब से लुगत लिया रियासुल लुगात फारसी, हूँ वो कभी किसी ने वेखी नहीं, वो अंगा है जो म्या कढ़ो हूँ आम तो लुगत आए मीम तो कढ़ो, वो पिछले पास्यों से नून चो लभनी सी उल्टे पास्यों ना आती नहीं लभा, उन्हें आप फिर कढ़िया तरीका समझाया कि उस्ताद साहब आ तरीका तुम्हें नहीं कभी रियासुल लुगात वेखी, तो म्या का माना कमर है, कमजोर घोड़े ने की करना अस पे लागर म्या बकार, जिन्हों फाके दे दे के ट्रेन घोड़े ने किया ना मोटापा दूर किया उसकी कमर पतली पतली कमर वाला है, पतली कमर वाला घोड़ा काम देता है अस्तबल का पड़ा हुआ बैल, इसलिए अस्तबल दे पड़े बैल जड़े जना पे मोटे हो गए किसे कम नहीं। इन्हों की दुनिया खराब इन्नी बीमारियाँ अल्लाह अपना दे इलाज कराते फिर दे हार्ट अटैक होंगे तो गांव भी इन्होंने कुछ नहीं ना बात कर सकते, पतली कमर वाला घोड़ा बनो, खाना कम, सौना कम, लोगों को मिलना कम और गुफ्तगू कम, लोगों जरा ना फिर कम मिलने का इलाज इतकाफ अल्लाह ने तजवीज किया है, वो भी सारा साल नहीं ना सारी उम्र ली, ये फिर बाल बच्चा किधर जाऊगा, थोड़े अरसे इलाज के तौर ये डोज लिया करो, थोड़ा थोड़ा वक्फा कढ़ो जेना दिलचस्पियों तो इन लज्जतों तो बाहर निकल के रब के घर च डेरा लगा लो, और उस कैफियत की हो फिर दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात रात दिन बैठा रहूं तो सबर है जाना की हो, कैसे दिन भी लभ जाने कि ना सारे हंगामिया तो बाहर निकल के फिर यार नूं याद कर ली बह जाए, सिर्फ वह ही ध्यान होवे उन्हूं सोचता रहे, और ना जिस तरह इमाम इब्ने कईम फरमाते उस वे ध्यान कर कि सारे बच्चे बीवियां भरा छुट जाने तू कब्र कल्या होना और उस सिर्फ अल्लाह होना जेना तू मुहब्बत की होगी तो तेरे ना कम आ जाऊगी वरना तरसदा रहेगा हूँ तो इतने साथी कोई नहीं, ये इतकाफ बिल उनस बिल्ला रब ना यारी लाने वाली गल है कि वो ना प्यार आदमी पावे। रसूल करीम अलैहि सलाम एक साल नहीं कर सके, आपने शवाल चुन नागा किया एक साल सफर से नहीं तो दो भी दिन फिर ईद वाले महीने किया कभी इसने इबादत नहीं छड़िया, इस वाला तौफीक दे आखिरी दिन आ रहा है तो ये किल्लत से इख्तलात मारा नाम कि बंदियां ना मेल मुलाकात कटा के अल्लाह की आवाज लग जाए, ये कोई मोबाइल कोल ना खड़े तौबा तौबा इतकाफ तदे इमाम मालिक ने आख्या मकरूह लोग आख्या सुनत तू मकरूह ना आंदे हक नहीं अदा कर ये इतकाफ हैगा जरा अल्लाह ने दसिया ये आके या आप रल के बह जाते गप्पा मारते की फायदा होया उल्टा गुनाह खट के जाते हैं ये कितने वो खलबत कि तनहाई च बहन सिर्फ नमाज ही निकल वरना अपने उस खैमे चले जाने उत्थे रब न याद कर। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाया मैं तो इजाजत नहीं देता कि तुम फिका हदीस दिन किताबों में पढ़ो तुम मसलों की फसे रहना इतने तीन इबादत जिन्हें सिर्फ मसलां बनिया इन्होंने दिनों लग जाओ सब किताबा अंदर सिटो एक कुरान होवे
एक नमाज होवे और एक जड़ा ना दुआवां जड़ियां अल्लाह ताला को जिक्र, इस तो सिवा कोई इतकाफ दे अंदर नहीं। एक पढ़नी होर वक्त थोड़े जेना ही हंगामे फसे रहा अबू हनीफा अंदाज मालिक आंदा तुहानू इतकाफ किहड़ा नसीब होया, तुसीं इरादा किथे होया अल्लाह दी खातर, तो अलग कर लिया गया। और बाकी जदों मुहब्बत गालिब आ जाती तो फिर मजनू ही हो जाता आदमी, साढ़े को नहीं बनया गया मजनू, तो बन के दुनिया दिखा गया ना कि बीवी बच्चे भुल गए, खाना भुल गया, जंगल च बह गया, परिंदिया ने सिर से डेरे कर लै हिलिया ही नहीं बिल्कुल। जो लोग पुछते से आके सिवाय लैला तो कुछ नहीं ज्यादा, रूमी आंदा इश्के मौला कह कमत लैला बाद, और लैला की मुहब्बत इतों तक गालिब आ गई कि रब का इश्क यह होया भी तू रब नूं याद भी नहीं कभी कर, भुल के कभी ना लै लिया लै लिया, तेनों रब कभी चेते भी नहीं आया। कूए गश्तन बहरे हुए औला बद, होना तो यह चाहिए सी भी औरत की खातर धक्के खाता रहा, तू रब की खातर खा लो, इबादत कर दो मस्जिद बहनो, तो एतकाफ की इबादत मुकर करती गई। और उसकी दुआ भी सैयद आलम फकरे बनी आदम फिजा भी मम्मी रोई जहान कुरबान है हजूर तो आप नूं पुछया उम्र मम्मी ने आयशा सी कर रसूला जदों रात आखिरी आने